बस लेते रहिए, मैं चैनल विनर है, चैनल बेकस ए उधर आ जाओ, बस बोला चैनल दे दे रे नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी जिले से वो परिवार है जो कि आज कोई ऐसी सुविधा का लाभ नहीं पा रहा, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे गैस हो, चाहे आवास हो या शौचालय हो, लेकिन वो जीवन यापन कैसे कर रहा है। जब मैंने यहाँ पे बात किया तो उनका कहना है कि एक बांसुरी के जरिए मैं जीवन यापन करती हूँ। चुनाव में तो हर बार लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आज तक कोई ऐसी सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिली। फिलहाल जो परिवार यहाँ पे कई ऐसे हैं जो कि बांसुरी बना करके अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन क्या सबका विकास हो रहा है? क्या उन परिवारों तक योजनाएं की लाभ पहुंच पा रही है या नहीं? तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानने के लिए हम यहाँ पे पीड़ित लोग से बात भी करेंगे। ये देख रही है, ये जो सरिया रखी गई है इसी का बांसुरी भी बनता है, और ये बांसुरी देखें थोड़ा बाबू, ये बांसुरी हाथ में ली है, जिसे आप मेले में देखे होंगे, मनोरंजन भी बच्चे काफी करते हैं। और यहाँ पे ये मैं तो पहले यहाँ से जानने की कोशिश करूँगी कि ये जो बांसुरी का कार्य है कब से चल रहा है। दो दीदी, पहले तो आपको ऊपर से जानना चाहेंगे हम आपका कहाँ के रहने वाली हैं और इस बांसुरी कैसे बनाती हैं आप इसकी? इसमें हम लोग लाते हैं मोगल से, वहाँ से ला कर काट कर बनाते हैं चक्कू से। तो इसका नाम क्या है? नरकट। नरकट है, क्या हर समय मिल जाता है या फिर कैसे? हर समय मिलता है। क्या कैसे अट्टिये के भाव से लाना पड़ता है या कैसे लाना पड़ता है? इसको काट के बोझे के हिसाब से लेना। कितने एक बोझा लेने पे कितना देना पड़ता होगा? 1200। तो एक बोझे में कितने बांसुरी बन जाती होगी? बन जाता 2000। तो इसकी सप्लाई कैसे होती है, मेले में होती है या फिर? मेले में। तो मेला तो हर समय नहीं लगता है? हर समय नहीं होता, हर समय गाँव में होती है, रोज की रोजगारी है। सरकारी सुविधा की लाभ क्या मिला आपको अभी तक? जिस तरह अभी तक तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, लेकिन चुनाव में तो ये होता है कि हर सब लुटेरे हैं, परिवार के साथ सबका साथ सबका विकास, खास तौर के मध्यम परिवारों को। कितने सालों से आप लोग इसी तरह की? 35 साल से है। तो अभी क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, गरीब हम लोग हैं, राशन है, गैस है, रहने की चीज है। हाँ, शौच उच बैठने के लिए है, शौचालय चल, तो कभी कहाँ जाना पड़ता है? अच्छा इधर उधर, ये सामने। अच्छा सामने जो छोटा बनवाई है आप अपने से? नहीं। हाँ, अच्छा किराए पे भी? ओ तो क्या ऐसे में महंगाई में परिवार चल जाता है बांसुरी से? चलता है, जिस तरह अपना पेट। तो कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि हमें भी उठ उठ तो करती होंगे? हर फिर चुनाव आ गया, दो विधानसभा लोकसभा के चुनाव तो आ गया, दो महीना बाद पड़ेगा, सब जाते हैं, सब देते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। तो जो नेतागण होते हैं जो चुनाव में क्या क्या वादे करते हैं? बहुत करते हैं, तुम लोग के घर दिवाएंगे, आवास दिवाएंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे तुम लोग को, तुम लोग तो फ्री में राशन चलेगा, सब कुछ तो बोलते हैं, मगर करते तो कुछ नहीं। अब जिसको मिलता होगा वो कह सकते हैं, हम लोग नहीं मिले तो नहीं कह सकते। तो इस बार किसको चुनना चाहेंगे आप? अभी तो किसको बताएं, किसी को नहीं, अभी तक हम जनपे नहीं सुने कि यहाँ का नेता कौन है। कितने दिन हो गया मगर अभी तक हम सुनते हैं कि क्या नाम मिलता है, रविंद्र जायसवाल है क्या? उनको भी सुनते हैं, बेगूसराय सब और हैं, करनी में सब लोग हैं, सुनते हैं, जानकारी उतना मिला नहीं। कुछ कर सके गरीब।
तो इसे ये तैयार करने में, ये बनाने में कैसे बनाती हैं, क्या क्या मटेरियल लगता है, थोड़ा पकड़िए। इसमें ये लग गया है, इसके बीच में है, इसके बाद इसको इससे करेंगे, बैलून लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, तब उसके बाद बनेंगे। एक बांसुरी तैयार करने में कितना समय लगता होगा दी? बांसुरी आधे घंटा, 15 मिनट। तो दिन भर में कितने तैयार हो जाते होंगे? दिन भर में ये 100-150। तो पूरे परिवार लगा कर करते हैं या फिर अकेले ही? अकेले करते हैं। अकेले करते हैं। तो क्या उम्मीद है आने वाले समय में, कुछ बदलाव होगा या फिर वादे ही रहते हैं लोगों को? कैसे बताएं, बदलाव कोई हमारे समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं मिला तो कुछ नहीं है? बस यही सोचते हैं कि जो अपनी मेहनत कर रहे हैं वही हम खा रहे हैं। देखिए ये बच्ची जो बांस बजाइए आप, अब नहीं बजाएंगे। देखिए ये बांसुरी है कि जो लोग लेते हैं और बजाते हैं। चैनल पे आ जा। आप भी बनाते हैं? आप बनाती हैं बांसुरी? नहीं बांसुरी नहीं है, ये भी किराए पर रहती हैं। क्यों? क्यों किराए पर रहती हैं? आप लोगों को घर नहीं है? कहाँ के रहने वाली है मुख्य रूप से, कि ऐसी जगह रहते हैं? कितने सालों से? अरे हम लोग का तो 25-26 साल से रह रहे हैं। वोट उठ करती हैं आप लोग कभी? कि यहाँ पे किसको वोट करती हैं या फिर जब उनके यहाँ वोट मिलता है तो सभी आदमी देता है, अरे जिस पे खड़ा हो जिस पर आदमी दे दे और क्या। तो क्या क्या लाभ मिलता है आप लोगों को चुनाव में? कुछ नहीं मिलता है जी, कुछ नहीं मिलता नहीं। है चुनाव बीतने के बाद के जब आते हैं लोग तो क्या वादे करते हैं? क्या वादे करते हैं? यही करते हैं कि ये देंगे वो देंगे, जब जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, कुछ क्या भागे मारे आपने नहीं करते हैं तो देंगे क्या, ये बताइए। अभी क्या क्या सुविधा की जरूरत है, क्या क्या मिला है? कुछ भी मिला है या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। राशन वोशन? राशन कार्ड भी नहीं बना है। और गैस वैस? वो सब मिला है, खाली गैस। गैस मिला है आपको? और आवास, शौचालय, पानी, ये सब कुछ? कुछ नहीं। तो कैसे परिवार मेंटेन करना पड़ता है जब सरकारी सुविधा कोई लाभ भी नहीं मिलता है? लोग वादे करके चले, कभी सभ्यासद भी आते हैं कि नहीं इधर? तो चुनाव में देखे कभी कि बस कभी नहीं आते हैं? हम देखे नहीं कि जाते हैं हम लोग, इसमें बोलते हैं कि एक नेता बन रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, बाकी हम लोग ये देखे नहीं कि कौन नेता बन रहा है, बस हम लोग वोट से मतलब है, वोट से। फिर चुनाव आ रहा है, फिर इसके बाद जब कोई नहीं मिला है आप लोगों को तो किसको चुनना चाहेंगे? क्या करें, जो जो सब चुनेगा तो हम लोग भी चुनेंगे, और क्या बात है इसमें, हम लोग तो चुनने खड़े हैं, और इसमें क्या है। टाइम वेस्ट मत करिए, चलिए काम करें हम लोग। कौन सा काम करने जा रहे हैं? बर्तन। अच्छा, गृहस्थी वाला काम अब इसको मत करिए, अब बस काम। तो ये देख रहे हैं काफी लोग बाहर से आके यहाँ पे ऐसे किराए पे रहते हैं। कुछ लोग को स्थिति अगर कही जाए तो जिस तरह से सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वो चीज़ें कहीं नहीं देखने को मिलती है। आप भी बाड़े पर रहती हैं? हाँ। कहाँ, कितने सालों से? कितने सालों से? हमारा बचपना बीत हुआ, बीत गया। तीन डेबिटियन है छोटी छोटी। अच्छा, वोट कहाँ करती हैं? वोट उठाता है आप लोगों का? आधार कार्ड उठाइए नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं थी कि हम दौड़ धूप के बनवाए। तो कोई सरकारी लाभ तो नहीं मिलता होगा कि मिलता है कुछ? नहीं, कुछ पूर्वे नहीं है तो कैसे तू लोन ले पाओगी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास।
तो क्या यहाँ पे किस तरह के काम? शराब वराब पीते हैं और लेबर मिस्त्री वाला काम करते हैं, जितना काम आते हैं उससे ज्यादा पी के आते हैं। और 100-200 रुपया दोगे तो घर में इतना खर्चा है कि घर में हम देखें कि चार पैसा जुटा के इनका आधार कार्ड बनावे कि हई करें हई करें, तुम आप ही बताइए। कभी आप लोग कोशिश नहीं किया कि बीएलओ से मिलके या आशा से मिलके अपने आधार कार्ड बनवाएं या फिर राशन कार्ड की अप्लाई करें? आशा लोग भी कोशिश नहीं कर रही है, आशा लोग से भी कहो तो कोई बात तो ये है तो वो है, दुनिया भर की मैं कहानी अपना मिला देती है भाई, वहाँ से बात खत्म हो जाती है। क्या नाम है आपका? रुखसाना। तो आप भी रहती दीदी इसी जगह? ये आप बनाती हैं क्या? हमारे घर में 5 लोग हैं। उठाइए थोड़ा सा देखिए, 5 लोग हैं, आधार कार्ड बन जाता तो कितनी मेहरबानी हो जाती। अच्छा यही है आप? तो दीदी आप लोग इसका रोजगार करती हैं कि कैसा है ये थोड़ा बताएंगे? रोज खाना कमाना है, नहीं खाओ तो भूखे मरो। क्यों सरकारी लाभ कोई नहीं मिलता आप लोगों को? मिलता है, महीना राशन मिलता है। और आवास वास की प्रक्रिया कभी आप लोगों ने मांग नहीं किया, कभी भरा नहीं? नहीं, सुने कि आया था आवास भराने के लिए, चला गया फिर। और शौचालय उचालय या तो फिर और रोजगार करने की कोई सुविधाएं? रोजगार भी कोई सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो ये अपना रोजगार कौन सा करती है, इसमें कितना मतलब कैसे लाना पड़ता है, कैसे बनाना? बहुत दूर से लाना पड़ता है, मंगल सराह से लाओ, मेहनत करो, एक दिन चार दिन से लगा कर बेचो तो 100-200 कमाते हैं बच्चे लोग। तो ये मेला में ज्यादा बिकता है या रोज कैसे बिक जाता है? मेला तो हर भी लगता नहीं है, मेला तो आता है साल भर का ना। इसे रोज बेचते हैं, 200-400 बेचते हैं तो खर्चा वर्चा गुबारा लाना हर चीज। तो चुनाव जब भी निचकाता है तो यहाँ के जो मंत्री हैं, सांसद हैं या सभासद हैं, वो किस तरह का आप लोगों को वो कहते हैं, कुछ वादे करते हैं देने के लिए रोजगार? नहीं कुछ नहीं, सब खाली वोट ले जाते हैं। वोट के समय कितनी बार आते हैं लोग? रोड में आते हैं साल भर के बाद, रोड ले जाते हैं और देते जाके सरैया में, यहाँ 25-30 साल से हैं। तो इसको बनाने में कुछ दिक्कत भी होती है दीदी? अरे हाथ गोड़ पैर सब पड़ जाता है बनाने में। इसको एक बांसुरी कितने के बिकती होगी? 10-5 लोग। अच्छा 10-5 का। तो इस बार फिर चुनाव आ रहा है, किसको चुनना चाहेंगे आप लोग? क्या लग रहा है कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? किसको चुना, किसको न चुने, यहाँ पे वोट दिलाता है, सब लोग जाकर देते हैं। कोई हाथी पे देता है तो कोई किस पे देता है, दे देते जाके हम लोग। तो इस बार की क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? ये होगा सब तो हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह से ये वाराणसी में होता है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि काफी विकास से दूर हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हर चुनाव में 5 साल